हांडे चरे जना पोतो बट बैठो थोड़े दाने बाबा पांचो आयो पांचो आ देखे तो हांडिया तो एक ऊपर थड़े दूजा हूं एक ऊपर कूद एक दूजा अगला मोट चरगा जना पोता नहीं कर भाई कहीं करे क्या वाह मोट तो और हो जाई तो हांडिया की जपा जप तो देख जना लाडली बात तो कहीं मगे लोहड़ आ नहीं बिना मोरी का हांडिया हमारा भतीजा है अगला कहीं हो गया गैल हुई गा जप्पा जप देर कर में डीजे बाजे और जोरदार नारा लागे और तेजा बाजे जन्म में अगला भी रोई का साथ है पण अबे कहीं चुड़ाव हराए दिया जना मने घरे भेज दिया। अरे एक बात और हो गई थी कि जकी गीता में गई जे नागौर के जायल को खिला खियाला को जको गीता में गई जे मायरो कि भाई राज को धन ले जा चौधरी दूजा के भर दियो मायरा में तो उन्होंने चुनाव हराया और उसको एक गलत संज्ञा और दिया उसको बोला कि बुआ जी का मायरा भर दिया। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई नागौर की शान नहीं बढ़ी। मैंने ईमानदारी से आप लोगों के बीच में हमेशा प्रयास किया है आपने कभी कोई काम बताया किसानों की बात रखनी थी ट्रैक्टरों के ऊपर से कमर्शियल हटा करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में डलवाया तो लोकसभा में बोल के मैंने डलवाने में प्रयास किया और करवाया उस काम को। किसानों को बीज का अधिकार दिलाना था और मोनसांटो जैसी कंपनी को अगर हिंदुस्तान से भगाया तो ये आपकी ज्योति मिर्जा ने भगाया जो आज भी अगर किसानों को समझाने बैठो तो कितने फायदे की चीज होती। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाने थे 4 मेगा हाईवे उस टाइम पास हुए उस टाइम 2 नागौर से होकर के गुजरे। नागौर के अंदर उस टाइम पे अस्पताल बना नया पूरे राजस्थान में जो पायलट शुरू हुआ अटल सेवा केंद्र का वो नागौर से शुरू हुआ। टाउन हॉल बना सड़क के लिए बिजली के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे लेकर के आए बहुत से और काम करवाए। मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि चुनाव है कोई चुनाव चुनौती से कम नहीं होता। इस बार भी 2 पार्टियां मिलकर के लड़ रही है षड्यंत्र चल रहे हैं कई लोगों को ऐसे समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है। आज ही मैंने देखा कि विशेष तौर से ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज को बांटो किन्हीं के लिए कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बंटते हैं और सीधा सीधा नुकसान किसका होता है भारतीय जनता पार्टी। कैसे ही करके ज्योति को हराओ चुनाव लड़ने की एक मंशा होती है चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में प्रयास किए आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है चाहे राजस्थान में हो दिल्ली में केंद्र में सरकार जरूर मोदी जी की आएगी और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी जिम्मेदारी होगी अगर आप लोग मुझे जिता करके भेजते हैं कि मैं आपकी वकालत कर सकूं आपकी पैरोकारी कर सकूं और अगर अपना पहरेदार मजबूत है अगर अपना वकील मजबूत है और अगर सरकार दोनों जगह अपनी है तो मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं और मोदी जी से भी बहुत सारी चीजें हम हमारे क्षेत्र के लिए करवा सकते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा क्षेत्र बहुत बड़ा है अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शायद क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा साहब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है मैं सब जगह ना पहुंच पाऊं। पहले चरण में हमारा चुनाव हो रहा है मेरा निवेदन रहेगा मंच पे बैठे सभी नेताओं से मेरा निवेदन रहेगा मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों साथियों युवा साथियों से कि आप लोग ज्योति मिर्जा बनकर के 19 तारीख तक ग्राउंड पर बूथ पे जहां आपका वर्चस्व है जहां पे भी आपका प्रभाव क्षेत्र है एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का प्रयास करें। आसपास की अगर लोकसभाओं में आपके रिश्तेदार है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें ताकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी बार एक बार पुनः आए मोदी जी को मजबूती मिले और दिल्ली में जो सरकार है वो परम आदरणीय मोदी जी की दोबारा से बन करके जाए। वैसे तो मोटेरों ज्यादा बात तो नहीं कहूं पर एक कोई समझदार था उसको बोला इसको कि इसको हर सवाल का जवाब पता होता है। एक बाबा के पास गया बाबा के पास बाबा को सिद्धि थी कि वो बता दिया करते थे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो वो समझदार जो आदमी था उसने देखा बाबा के घटके देता हूं तो एक चिड़कली ने पकड़ मुट्ठी में लेर गयो बाबा कने बाबा ने जार कियो के बाबा हाथ में कहीं है बाबा की चिड़कली है के बाबा जीव दिया कि मरियोड़ी है ना बाबा कियो के भाई आ तो थारे हाथ में है
जीएमटी राह की तो तू ही राह के मसल काटी जना तू ही मसल काट तो भाई चढ़ चली ने जीएमटी राह को के मसल काटो आ ताकत आप लोग ने रो फैसलो आप लोग ने लेना तो 19 तारीख तक भाई लागे रहो मारी तरफ प्रयास में कोई कसर को रखू विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम कराने के प्रयास करें चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज को काम वापिस शुरू कराने का काम हो चाहे वो अस्पताल में सिटी अस्पताल को काम शुरू कराने का काम हो चाहे और भी कहीं किसी के कोई काम पड़ गए हो। और इस मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ इजाजत हो तो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी एक माइनिंग के ऊपर एक ड्राइव चल रही है मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई किसान अपने खेत से भाटे ले जा रहा है छोटे मोटे ट्रेली ट्रॉक्टरों के अंदर तो उनके ऊपर ज्यादा रोकथाम नहीं करी जाए जो व्यवस्था आप डंपरों पर जेसीबीओं पर करना चाहें वो आपकी जिम्मेदारी वो बड़े लोग हैं बड़े आदमी हैं पर जो दो वक्त की रोटी के लिए छोटा काम करता है उसके लिए आप समर्थन दे मैं तो यही निवेदन करके समय समय पर आपको परेशान करते रहेंगे हमारे क्षेत्र की बात आपके बीच में रखते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने आज तक हमारा मान सम्मान रखा है हर बात को पूरा करा है ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एक ऐसा जयकारा जिसमें हम सभी की जय बोल दी जाती है बोलो भारत माता की प्राण की बाती गढ़ बलिदान की आओ हम सब मिलकर चले उतारे आरती भारत माँ की आरती हम सब मिलकर जब ज्योति जी को जिताएंगे।